नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिलीशियस डायरीज में। आज हम लोग वेज पुलाव और रायता बनाने जा रहे हैं। ये सारी मैंने तैयारियां कर ली है, जैसे जैसे मैं यूज में लूंगी तो मैं आपको डिटेल्स में बताते जाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये कढ़ाई गर्म रखी है। अब इसमें हम लोग घी डाल देते हैं। 2 चम्मच घी डालना है, ये एक हो गया और ये दूसरा। घी गर्म हो जाने देंगे अच्छे से, और पुलाव जब भी बनाओ तो देसी घी में ही बनाइएगा, उसका अपना एक टेस्ट होता है। ये मैंने इधर कुछ ड्राई मसाले ले ले हैं, गरम मसाले के हैं ये सारे आइटम। तो इसमें ये बे लीफ है, ये लवंग है, काली मिर्च है, इलायची है, जीरा है, और ये दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे हम लोग। ये घी गरम हो गया तो सबसे पहले ये जीरा डाल देती हूँ। गैस कम किया है मैंने। ये इलायची है, ये 4 लौंग ली है, ये दालचीनी का टुकड़ा, ये बे लीव्स है, और ये काली मिर्च डाल रही हूँ। हल्के से इसकी स्मेल आ जाए अच्छी तरह, इतना भूनना है इसे, जो कि मैं भून चुकी हूँ। चलिए अब ये एक प्याज ले लिया है मैंने, ये प्याज डालते हैं। ये प्याज अच्छी तरह कैरमलाइज हो जाना चाहिए, इतनी देर हमें भूनना है इसे। और उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, प्याज जल्दी कैरमलाइज हो जाए उसके लिए हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, बाकी सारा हम पीछे से ऐड करने वाले हैं। ये प्याज में हल्का सा क्रिस्पी कैरमलाइज हो जाए तब तक के भूनती हूँ। ये प्याज हो चुका है जैसे हमें चाहिए था, कैरमलाइज हो चुका है। तो चलिए ये बाकी की सब्जियों में मैं दिखाती हूँ आपको। ये गाजर है, ये डाल रही हूँ मैं। शिमला थोड़ा रुक के डालेंगे। ये आलू है, इसके छिलके हटाकर मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। पानी में रखिएगा तो आलू काला नहीं पड़ेगा। ये मटर है, हरे मटर लिए हैं मैंने, ये डाल देते हैं। सब्जियां स्टेप बाय स्टेप करके सारे डालते जाइए एक के पीछे एक। ये हरी मिर्च है, स्लिट कर ली है मैंने, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि इसमें लौंग है, काली मिर्च है, शिमला मिर्च है, तो उस हिसाब से थोड़ा देख कर डालिएगा। ये अब मैं शिमला डाल रही हूँ। ये अभी सब्जियों को हम एक बार नमक डाल देती हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी सब्जियों को मैं 5 मिनट तक के भूनूंगी, उसके बाद इसमें चावल डालना है, फिर चावल भूनना है। चलिए मैं सब्जियां भूनती हूँ, हल्का सा इसे कवर कर देते हैं तो ये जल्दी भूनी जाएगी। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, इन सब्जियों को मैंने कुक करने के लिए रखा था, एक बार देखते हैं। चलिए चला देते हैं एक बार। अरे मैंने इधर 1.5 कटोरी चावल लिया है, आपको जितना भी पुलाव बनाना है उस हिसाब से आप चावल लीजिए। ये चावल मैंने धोकर 10 मिनट तक के भिगा कर रखे हैं, ये बासमती राइस लिया है मैंने, तो ये सारा ऐड कर देते हैं। इसे हम इन सारे मसालों में बहुत अच्छी तरह 2 मिनट तक के भूनेंगे चावल को, ताकि सारे मसाले इसमें चावल में भी कोट हो जाए अच्छी तरह। और अब मैंने जितने भी चावल लिए हैं उससे डबल 2 गुना पानी लेना है हमें, और वो पानी ऐड करना है इसमें। मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें गरम मसाला वगैरह डाल सकते हो, बट मेरा पसंद नहीं है गरम मसाले का टेस्ट इसमें, आप आपके मतलब स्वाद के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए चावल भूनना। अब ये मैंने पानी लिया है, ये डबल पानी है चावल से, तो ये डाल देते हैं। एक बार जब तक के बॉईल नहीं हो जाता है तब तक के गैस फुल रखेंगे।
उसके बाद कम कर देंगे बॉईल हो जाने के बाद। तो मैं तब तक के कवर कर देती हूँ इसे। चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो चलिए ये बॉईल हो चुका है, देखते हैं एक बार कवर हटाकर। चलिए इसे हल्का सा चला देते हैं। और अब मैंने ये गैस कम कर दिया है। अब इस कम गैस पर हमें इसे 15 मिनट अराउंड 15 मिनट्स लगेंगे फुल कुक होने के लिए। फ्रेंड्स कैसा है ना, बहुत बार चावल पर भी डिपेंड करता है, तो मोस्टली 15 मिनट तो इसे पक्का लगेगा कुक होने के लिए। तब तक के इसे रख देते हैं, 15 मिनट के बाद देखते हैं। चलिए जब तक के हमारा पुलाव रेडी हो रहा है, मैं आपको रायता दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये दही ले लिया था। इस दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि रायता जो है मोस्टली इस टाइप की फ्लूइड कंसिस्टेंसी होती है उसकी, तो ये इस तरह ही होना चाहिए। चलिए ये खीरा ले लिया है मैंने, ये खीरा डाल लिया है। ये प्याज है, कम ज़्यादा आप आपके हिसाब से ऐड कीजिए। प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, वरना थोड़ा कम भी कर सकते हो। हरी मिर्च है, एकदम बारीक टुकड़ों में काटी है मैंने। हरी मिर्च थोड़ी सी तेज है इसलिए मैंने कम ऐड की है। ये भुना जीरा पाउडर है, तो इसमें आप स्वादानुसार नमक जाएगा। चलिए ये आप हरी धनिया डाल देते हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए ये हमारा रायता रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप इसे पक्का ट्राई कीजिएगा, ये रायता बहुत अच्छा लगता है पुलाव के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स अराउंड 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं एक बार इसे ये हमारे चावल प्रॉपर कुक हुए या नहीं हुए हैं। देखिए एक बार देखिए फ्रेंड्स, इसमें का पानी बिल्कुल पूरी तरह सोख हो चुका है, एकदम प्रॉपर कुक हो चुके हैं। हर दाना इसका खिला खिला दब रहा है। ये हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। ये देखिए ये हमारा रायता एंड वेज पुलाव रेडी हो चुका है। इस रायते को आप खिचड़ी, पुलाव या बिरयानी के साथ भी खा सकते हो। फ्रेंड्स आप इसे पक्का ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हटके रेसिपी है, अलग है, बहुत अच्छी लगती है। और ये पुलाव भी रेडी है हमारा, मैंने आपको पूरी रेसिपी दिखा दी है बहुत आसानी से। अगर आपको पसंद आई है मेरी आज की रेसिपी, आज का ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने आज वक्त से वक्त निकाल कर मेरा पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक यू।